नमस्कार फिट्रो ओडिशा को स्वागत करुछी मु नलिनी। दर्शक बंधु सुंदर देखा जिवा पई हाइट बड़ रोल प्ले करे, किंतु आजिकाली अनेकांशरे देखिबा को मिलुछि कम उच्चता गोटे बड़ समस्या हेउछि। वयस अनुपात रे काहेकि उच्चता बढ़ुनाई, यार कारण कौन एवं यार निराकरण कौन, ए तमाम दिगक नहीं आज आम आलोचना करिबा। एवं सबुठ बड़ कथा होछि कम उच्चता आजिकाली गोटे बड़ चिंतार विषय होइछि एवं कुहा जाउछि जे हार्मोन जनित असंतुलन यार गोटे प्रमुख कारण, किंतु यहा सहित आउ कौन कौन कारण रहुछि से दिगक नहीं आम आलोचना करिबा। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा पई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार कोटा आम सहित अच्छा सर आपको आलोचना को स्वागत कर प्रथम प्रश्न आपको एया रही जे गोटे छोट पिलार उच्चता वर्ष को स्वाभाविक भाव केते परिमाण रे बढ़ी थाए। बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कारण बहुत थर आम देखी था पिले माने निजे किंबा बापा माँ पिला उच्चता बढ़ुना बोली आसी डाक्तर पाखक। ता छड़ा गुड़ाए एडवर्टाइजमेंट भी रही है कि गोटे सिरप रही कि गोटे मैजिकल मेडिसिन अच्छी किसी मैग्नेटिक थेरापी अच्छी किंबा आप ओहलिया द्वारा आपंकर उच्चता बढ़िजो, किंतु जो आपंकर प्रश्न नहीं आप एक एंडोक्राइनोलोजिस्ट अथवा हार्मोन रोग विशेषज्ञ पाखक जा से कही आपंकर उच्चता बढ़िया आपंकर जीवन अवस्था किसी हार्मोन एवं अन्य किसी फैक्टर उपर निर्भर करे। आम जानवा दरकार उच्चता स्वाभाविक भाव के बढ़ी थाए। प्रथम वर्ष बयस पा जो इनफेन्सी अथवा शिशु अवस्था को आए पाटी उच्चता 25 सेंटीमीटर बढ़ी थाए एवं ओजन तीन गुण बढ़ी थाए। प्रथम वर्ष भितर प्रथम रु 4 वर्ष बयस वर्ष को से 10 सेंटीमीटर लेखे बढ़ती, जहाद्वारा कि 4 वर्ष शेष उभय पुओ एवं झियो पिला जन्म बेले जिते दीर्घता अथवा उच्चता थाए तार एक्जाक्ट डबल होती। चतुर्थ रु 10 वर्ष बयस भितर 6-7 सेंटीमीटर लेखे वर्ष को बढ़ी थांती। तापर 10 वर्ष बयस प्यूबर्टी जहाँ को आम ओडिया जौन परिपक्वता अथवा प्रौढ़ावस्था जो कहा जाए से पर्यंत 5-6 सेंटीमीटर लेखे बढ़ी था। प्यूबर्टी हूँ एक स्टेज जो थी कि आम उभय पुओ एवं झील मान सेक्सुअल मैच्युरेशन आए झील पिला प्रथम अवस्था आम स्तन विकसित होगा, तापर परिसरा जगह हेयर ग्रोथ प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है, तापर रेगुलर मेन्से स्टार्ट होता है। यही स्टेज टे झील पिला 11-12 वर्ष बयस आए एवं से ही स्टेज रे से हठात किना वर्ष को 11-12 सेंटीमीटर बढ़ी था। तेणु देखिए आप लक्ष्य करेंगे से ही 11-12 वर्ष बयस झील पिला साधारणतः पुओ पिला अधिक उच्च रुहति। पुओ पिला एक प्यूबर्टी अथवा जौन परिपक्वता 14-15 वर्ष बयस भितर आई है एवं सेतबेले सेमानकर किछिटी लक्षण होची तांकर स्वरटा कर्कश होबा, ता छड़ा निषदाढ़ी आसवा, अंडकोशर वृद्धि घटवा, परिसरा जगार चुट्टी बढ़िया, यही भाई जिनस किसी लक्षण देखाए जोड़ा कि 14-15 वर्ष बयस। तेणु जेहेतु पुओ पिला प्यूबर्टीटा 2 वर्ष पर आए तेणु पुओ पिला उच्चताटा 2 वर्ष वर्षका 6 सेंटीमीटर लेखाएं 10-12 सेंटीमीटर अधिक रुहति और परिशेष पुओ पिला उच्चता झील पिला प्रायतः 1 फुट अधिक रही है। सर आउ गोटे कथा जानवापी चाहेबू आपत जमी कहले गोटे वर्ष भितर गोटे पिला 25 सेंटीमीटर बढ़िया कथा, किंतु पिला मानकर उच्चता बढ़िया क्यों स्थिति बा परिस्थिति उपरे निर्भर करे। एक्चुअली छुआंकर जो आमर जो उच्चता वृद्धि रे नाना फैक्टर एथिरे इम्पोर्टेंट रहुछि। प्रथमतः होची जेंडर अथवा तांकर सेक्स जो लिंग पुओ पिलांकर ओब्वियसली झियो पिलांकर अधिक रही थाए। द्वितीयतः होची जेनेटिक्स, यह हूँ आमर बापा माँ को उच्चता उपर निश्चय रूपे निर्भर करें। जदि बापा माँ आपणकर जदि शॉर्ट रोचे ताले पिलांकर उच्चता मध्य कम रहइबो। तृतीयतः हूँ न्यूट्रिशन, तांकर पोषण ठीक रे होउछि कि नाही, सेमाने सठिक परिमाण रे प्रोटीन अथवा पुष्टिसार कैल्शियम अन्यान्य मिनरल सठिक परिमाण रे खाउछन्ति नै ताहा उपर डिपेंड करुछि। फिजिकल एक्टिविटी जहाँ कि आमर शारीरिक व्यायाम डेली स्पोर्टिंग एक्टिविटी खेल खेल खेलाखेली करपारछन्ति कि नाही, साइक्लिंग चलाउछन्ति कि नाही, एभळा किस्टा डिपेंड करिथाय। एहा छडा आमे कहिथौ जे किछिटी हार्मोन जेमिति आमर देखिबे तीनोटी मेन हार्मोन रहुछि, गोटे हूँ थायरॉइड हार्मोन जहाँ समस्ते जाणि रखन्ति। तृतीयतः आमर एक रहुछि स्टेरॉइड हार्मोन, जदि एक्सेस रहि जाय ताहाले मध्य पिलांकर उच्चता बढ़े नाही। एवं सबुठारु इम्पोर्टेंट हार्मोन रहुछि आमर मस्तिष्कर
तल भाग गोटे पिट्युटरी नामक ग्रंथि था जहाँ को आम मास्टर ग्रंथि बोली कही था से क्षरित होता जदि ग्रोथ हार्मोन से भी जदि किसी असंतुलन देखा जाए तो पिला ठीक रे बढ़ी पारती ना एवं एक बढ़ुवा पिलार उच्चता तहार खाली उच्चता ही अथवा आप जहाँ कहले कस्मेटिक अपीयरेन्स छड़ा तहार देहर कि स्वास्थ्य को मध्य सूचाई थाए जमी आमर कि अवयवर जमी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम रही है जमी आमर हार्ट अथवा हृदय किडनी अथवा ब्रुक डाइजेस्टिव सिस्टम अथवा पाचन प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा श्वास प्रक्रिया इम्यून सिस्टम अथवा आमर जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली तापर आमर जो बोन डिसऑर्डर जो अस्थिशल्य समस्या ता छड़ा तांकर अन्य किसी समस्या को मध्य सूचे था जमी तांकर आखि स्पष्ट करी सेमानकर कोऑर्डिनेशन रही पारे ना बैलेंस प्रॉब्लम्स थाए दांत प्रॉब्लम ता छड़ा मेमोरी प्रॉब्लम मध्य किसी थिले मध्य पिलांकर उच्चता ठीक भाबरे बढ़ी पारे ना। ओके सर आपण कारण कहले एवं एहा सहित एहा मध्य कहले जे बापा मां को उच्चता उपरे मध्य पिलांकर उच्चता निर्भर करे किंतु अनेकांश रे एथिरे मध्य परिवर्तन देखिबा को मिले से संपर्क रे आपण को सहित आलोचना करबे किंतु दर्शक बंधु आपण को कहि रखिबा पई चाहिबे जदि एहा को नै कोनोसी प्रकार आपण को मन रे समस्या रहिछि बा आपण को घरे एने किछि भी समस्या रहिछि तबे आपण हमको सीधा सडक कॉल करि परिबे हम सहित विशेषज्ञ अछन्ति तांकर परामर्श नै परि हम सहित प्रथम कलर जोडी जेछन्ति रत्नावती मैडम को आलोचना को स्वागत कर छी कोन जानिबा पई चाहू छंती रत्नावती मैडम सुनि पर छंती आउ जने कलर हम सतो जोडी छंती ज्योति प्रकाश बाबू आपन को आलोचना को स्वागत कर छी कोन जानिबा पई चाहू छंती। नमस्कार आज्ञा मोर आज्ञा वयस 22 मोर हाइट 5'4" इंच मो आमो परिवार रे सबुट मोर हाइट कम मो चाहू छी मोर हाइट केमिति वृद्धि पाइबो। एक्चुअली बहुत एटा गोटे बहुत कॉमन समस्या जे आपणकर बयस भी मध्य लोक बहुत जन आसंती उच्चता बढ़िबो बोले किंतु जो आमे जो प्यूबर्टी अथवा जौन परिपक्वता कहले झियो पिलांकर 11-12 ता जो पुओ पिलांकर 14-15 एथिरे जौन परिपक्वता सांगरे आमर जो लॉन्ग बोन्स थाए गोडर किंबा हातर शेष भागरे गोटे एपिफाइसिस नामक गोटे पार्ट थाए सेई एपिफाइसिस जेतेबेले फ्यूजन हो जाए सेतबेले आउ उच्चता बढ़िया संभावना केबे भी नहीं तेणु से आम कही था जो बापा माँ मैंने निज पिला छुआ को उच्चता प्रति मानने चिंतित अच्छा से मैंने यथाशीघ्र डाक्तर को परामर्श नियंतु यही वर्ष यही बयस आपन को कहीं जदि किसी भी जदि थेरापी सजेस्ट करछन सेडा मध्य किसी आपन को लाभ देव ना ये सब अनसाइंटिफिक वे के जन मैग्नेटिक थेरापी सर्जरी करती बट दैट इज सेडा जनरली एक्सेप्टेबल न था। ओके आउ जने कलर आम सहित जोड़ी जी ढेंकानाल रु नमिता मैडम आपन को आलोचना को स्वागत कर छी कौन रहिबो आपन को प्रश्न जे डेंगा हबा पई कोन केमिति कोन कले डेंगा डिगे हबा। एक्चुअली एटा तो बहुत माने आपन कर एही जो आपन कर जो प्रश्न डा रहला डेंगा केमिति हबा प्रथमे आमे निरूपण करथौ आपन को एक्चुअली आपन को लागु जी आपन छोटो अछि ना आपन कर पोटेंशियल वाइज आप ग्रो कर जानापे कि टेस्टिंग थाए आप एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ अथवा एंडोक्राइनोलोजिस्ट पाखक गले से आपन को किसी प्रश्न पचारती मैंने आपण जीवन नाना स्टेज रे कौन सब अवस्था दे आप गति मैंने आप गर्भावस्था थी बेल आप माँ कि दीर्घ दिन धरी बीमारी किसी कि जमी डायबिटीस बीपी थायरएड समस्या अन्न्य किसी इनफेक्शन किसी कि छड़ा छुआटी जो छुआ आप हाइट बढ़ुच्च जानापे चाहते से छुआर इनफेन्सी जो प्रथम वर्ष चाइल्डहुड अवस्था तार कि दीर्घ दिन धरी समस्या जमी हार्ट किडनी प्रॉब्लम रही किंबा अन्यान्य हार्मोन डेफिशिएंसी किसी लक्षण रही के जनकर ब्रेन रे छोटो ट्यूमर था जहाद्वारा अत्यधिक बांति हुए से राति मझे उठ बस पड़ती यह किसी पिक्चर रही ठीक समय फिजिकल अथवा मेंटल माइलस्टोन आसी कि ना अर्थ हो पाटे ठीक समय बसला उठिला दौड़ा खाइला कथबार्ता है यह सब जिन ठीक रे होई कि ना जाना दरकार तापर कि आपसबू जानलापर आपा माँ का उच्चता आपण उच्चता तथा ओजन यू मापी गोटे ग्रोथ चार्ट रे प्लॉटिंग करा जाए ग्रोथ चार्ट हूँ आपण पुओ पिलांकर ब्लू कलर अथवा नीलिया रंगर थाए झियो पिलांकर एक पिंक अथवा पिंक कलर गोटे ग्रोथ चार्ट थाए जो थे आपणकर प्रथमतः निरूपण करा जे आपन को रियली शॉर्ट हाइट अच्छे कि नहीं ता पर जाए कि किछ टेस्टिंग अनुसार चिकित्सा दिया जाए थे। ओके सर आपण जमती कहले जे बापा मां को उच्चता उपरे पिलांकर उच्चता निर्भर करे किंतु अनेकांश रे एमिति भी चित्र देखिबा को मिले जे बापा मां मानकर हाइट खूब उच्च थिबो किंतु पिलार सेतिकी ग्रोथ हुए नै ए व्यतिक्रम कोन पई घटे। हां
एक्चुअली बापा मां को उच्चता उपरे निहाती पिला को उच्चता निर्भर करिथा हमर गोटे साइंस रे गोटे फार्मूला अछि मिड पेरेंटल हाइट ताहा होची फादर्स हाइट प्लस मदर हाइट डिवाइडेड बाय टू माने आपनकर बापा को उच्चता मां को उच्चता युक्त करी आपन दुई रे हरण करिवे जो फिगर आसिला युक्त 6.5 होची पुओ पिला को पई विजुक्त 6.5 होची झियो पिला को पई तेणु से ही जो आपनकर वैल्यू आसिला मिड पेरेंटल हाइट प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर होची से गोटे छुआर बढ़ी उच्चता बढ़िबार नॉर्मल टारगेट एवं जदि सेथिरे जदि न बढ़ुची ताहले आमे जेंती आलोचना कले किछिटी कारण तार जो स्पेसिफिक रहुची ता विषय रे आमे देखिबा दरकार आपनकर जेनेटिक टेस्टिंग दरकार ग्रोथ प्लॉटिंग दरकार से अनुसार आपन चिकित्सा नेबा दरकार सर आपण किछि समय पूर्वरु कहिले पुओ माने एवं झियो मानंकर उच्चता बढ़िबार समय कण जे 14 रु 15 वर्ष भितरे पुओ माने ग्रो करंती एवं 11 रु 12 वर्ष भितरे झियो मानंकर ग्रो हुए किंतु वर्तमान आपण देखिथिबे अनेक एडवर्टाइजमेंट आसुची जे जेतेबेले भी चाहिबे गोटे पुरुष होंतु बा जने नारी होंतु सेमाने निजर हाइट को ग्रो करिपारिबे एभली क्षेत्र रे एहा को किभली भाबरे ग्रहण करा जिबा उचित आपण कहिले तो एहा फलप्रद नुहे बोली तो ए जो एडवर्टाइजमेंट आसुची मेडिसिन कथा आसुची से सब केमिति साधारण लोक माने डील करंती तेणु आपण आमर जो नॉर्मली जने छुआर जो साइंटिफिक वे रे जो ग्रोथ रहुची थरे प्युबर्टी अथवा जौन परिपक्वता आसीगला परे जो एपिफाइसिस फ्यूजन होई जाय थाय लॉन्ग बोन रो ताहा परे आउ ग्रोथ हबार संभावना ऑलमोस्ट निल तेणु ताहा परे जे कोनसी भी आपण थेरेपी आपण जदि कहू जे किछि चमत्कारी दवा आसी किंबा सिरप टे आसी मैग्नेटिक थेरेपी एगुड़ा केवे विश्वास करूँ ना कारण तापर आपणकर आ उच्चता बढ़िया संभावना बिल्कुल ना सह सामान ओके सर आज जन कलर आम सहित जोड़े स्मृति रंजन बाबू आपण को आलोचना को स्वागत कर कौन जानवाई चाहूँ मो पुर बयस 6 वर्ष मोर 5 फुट 7 इंच हाइट अच्छी कौन तो स्मृति रंजन बाबू 7 वर्ष सी मुझे मो पुअर हाइट जमी 6 फुट रही है शुणु एक्चुअली बहुत लोग मानते चाहती जो पुअर से मैंने निजे गोटे निर्धारण करते ये हाइट पहुँचा दरकार कितु जेनेटिक पोटेनसीयल जमी आप रखिले आप जो एंडोक्राइनोलोजिस्ट संस्पर्श रुहतु जेकि आप स्थिर करेंगे जे आपंकर आप मिसेस हाइट अनुसार तहार मैक्सीम हाइट के बढ़ी पार से रेंज्रे जदि रुना तालोले जी आपर कि नेक्स्ट स्टेप रोचे आपंकर टेस्टिंग वगैरह करा पड़ो किंतु जदि से ही आप ग्रोथ चार्ट रे देखिए जदि आप नेट रे मध्ये सर्च कर पारंती इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन आईएपी ग्रोथ चार्ट पुओ पिलांकर झियो पिलांकर आप फ्री रे आप नेट रे डाउनलोड करेंगे से आप देखिए एक्स एक्सीस बयस अथवा एज थाए वाई एक्सीस तल भाग में ओजन अथवा वेट उपरे उच्चता अथवा हाइट थाए आपणकर बयस अनुसार ओजन तथा उच्चताटा आपणकर देखंतु जदि सेटा आपणकर मिड पेरेंटल हाइट जोडा आपणकर हाइटटा कहली जो बापा मांकर उच्चता ने कैलकुलेट करा जाय सेही अनुसार जदि न रहुची ताहले जे आपण इन्वेस्टिगेट करिया दरकार किंतु लोकंक परसेप्शन थाय जे प्रोबेबली मो छुआ बडु नै सेटा एतेटा मायना रखे नै तणु आपण निश्चय ग्रोथ चार्ट मन रखथंतु आईएपी ग्रोथ चार्ट 5 वर्ष रु 18 वर्ष बयस भितरे आईएपी ग्रोथ चार्ट थाय 0 रु 5 0 रु 5 वर्ष भितरे डब्ल्यूएचओ अथवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो चार्ट थाय सेथिरे आपण देखिबे किछिटि लाइन देखिबे आपण 50 सेंटाइल तापर 25 10 3 तेबु सेमिति 50 रु अधिक रे 75 90 97 जो छुआर सेंटाइल ग्रोथ रे देखिबे आपण 3 सेंटाइल रु तळे रहुची से माने होचंती एक्चुअली प्रॉब्लम चाइल्ड जोठी कि आमे किछि ट्रीटमेंट दे तांको हेल्प करि परिबा किबा जो मानकर हाइटटा से मिड पेरेंटल हाइट रेंज रे सेई ट्राजेक्टोरी रे जदि बढ़ु नाही सेमान क्षेत्र रे आमे किछिटा आपनकर सहाय्य करि परिबा ओके सर आउ जने कलर आमे सतो जुडी जेछंती आलोक बाबू आपनको आलोचना को स्वागत करछि कोन रहइबो आपनको प्रश्न सर मोर ए जाउते 20 हाइट होउते 5 फुट किंतु छोटा हाइट ता बढिबो 20 वर्ष हे गलानी माने आपनकर जौन परिपक्वता स्टेज ता को आपन अतिक्रमण करि सैछंती तेनु एही वयस रे आपनकर आउ हाइट बढ़िया संभावना न था आप सिंपल कमन लोक कह चाहिए साधारण जनता को आप हाथ गोटे एक्सरे करें छुआर देखिए जड़े बड़ लोकर से जो आपंकर दुईट बोन रही है से दुईट बोन गोटे पीस थाए कि छुआ पिला जौन परिपक्वता पूर्वर से जो बड़ लंबा पीस रे ऊपर गोटे छोट एपिफाइसिस नामक गोटे पीस थाए
ସେଇ ଏପିଫାଇସିସ୍ ଆଉ ଯଦି ଡାଇଫାଇସିସ୍ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ବୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗ୍ରୋଥର କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇକି ସେଇ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାଟା ବଢ଼େଇପାରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯଦି ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚତାରେ ବଢ଼ୁନି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। କିଛିଟା ସଟଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛିଟା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଛୁଆଟା ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁନାହିଁ ତେବେ କାରଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୋମ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୋର ବୟସ 25 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ମୋର 5'6", ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁଛି 3 ଇଞ୍ଚ ବଢିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ଥାଏ ଯେ ଯେତେ ବୟସ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଜ ହାଇଟ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ନାହିଁ? ସେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର 14-15 ବର୍ଷ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର 11-12 ବର୍ଷ, ଏହି ବୟସଟି ଟପିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 99% ଅଫ୍ ହାଇଟ୍ ଗ୍ରୋଥଟା ପୁରା ଆଚିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅସମ୍ଭବ। ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ଥେରାପି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ନେସେସରିଲି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ଯାହାର କିଛି ବି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏହି ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଓକେ ସାର୍, ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମପାଯାଏ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଇଏ ହାଇଟ୍ ଆର ଅଧିକ ଅଛି ବା କମ୍ ଅଛି? କିଛିଟା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ବାପା ମାଆ ଦେଖିବେ, ବାପା ମାଆ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୂଆ ଜୋତା କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ପଛରେ ବସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆର ବୟସଟି କମ୍, ମାନେ କମ୍ ବୟସ ବୋଲି ସେମାନେ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉଚ୍ଚତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲାର ଆପଣ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଲା ତା ସିବ୍ଲିଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେଇ ବୟସରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ତାଠାରୁ ଯଦି କମ୍ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ଆଗରୁ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପିଲା ବେଶୀ ଚିଡ଼େଇବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେଇ ଛୁଆର ଉଚ୍ଚତା ଏତେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର 4 ପ୍ୟାରାମିଟର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘତା ଅଥବା ଲେନ୍ଥ ମପାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥାଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ରଖାଇ ପିଲାଟାକୁ ମପାଯାଏ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯାଏ, ତାପରେ ଓଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆପଣ ମାପିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ୱେଲ୍ କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ମେସିନ୍, ତାପରେ ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଇନ୍ କେଜି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ସତ୍ୟ ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସାର୍ ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁନି କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କାରଣ କ'ଣ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରି ନାଟାଲି, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କାରଣ ଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ନାଟାଲି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କିଛିଟା କାରଣ। ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ କିଛିଟା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥାଏ, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଜି କୁହାଯାଏ, ତା ଛଡ଼ା କିଛିଟି ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟେରାଇନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍, ମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆର ବିକାଶ ଠିକ୍ରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ହୋଇପାରେ କିଛିଟା ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍, କିଛିଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ଟକ୍ସିନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଯୋଗୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ନାଟାଲି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କାରଣ ରହୁଛି, ଆମର ରହୁଛି କିଛିଟା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯେମିତି ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, କିଛିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଥବା ପୋଷଣରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ରହୁନାହିଁ, ଯେମିତି ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାଲ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛିଟା ସିଲିଆକ୍ ଡିଜିଜ୍, ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ, ତା ଛଡ଼ା କିଛିଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିବା ବିମାରୀ, ଏସ୍ପେସିଆଲି କିଡ଼ନି, ହାର୍ଟ ଆଉ ଲିଭର୍, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇ କିଛିଟା ବିମାରୀ। ତାହା ଛଡ଼ା ରହୁଛି ଆମର ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲେ, ଥାଇରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସମସ୍ୟା, ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସମସ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କାରଣ।
जानिया पई हेले आपण तो ग्रोथ चार्ट आपण आमे डिस्कस करले ग्रोथ चार्ट पर किछटा तांको जेनेटिक टेस्टिंग करा जाय किछटा टेस्टिंग आमे जे सब रोग विषय कहिले आपणकर बोन एक्सरे गोटे करा जाय ता छडा थायरॉइड हार्मोन स्तर कंप्लीट ब्लड पिक्चर लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन एभला जणे आमे जानिया चाहू जे एक्चुअली कारणटा कोन जदि आमे कारणटा धरि परुचे से कारण को चिकित्सा करी तार जदि आमे पोषण रे वृद्धि घटे परले सठिक परिमाण रे पुष्टि सार खाइला कैल्शियम नेदि बाबर सारे आपण जेमति कहले जे समय र जथेष्ट आगुरु जानिबा दरकार जे पिलार उच्चता बढुची कि नाही एवं कारण जानिले ही आमे निराकरण खोजि परिबा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसिले एवं ए संपर्क रे आलोचना कले एवं जे कलर माने हमको फोन करछन्ते समान को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद समय शेष होइछि फिट ओडिसा को इट रखुछु नमस्कार।